निजी कार्यक्रम में बाराबंकी पहुंचे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। राहुल गांधी के राफेल को लेकर लगाए गए आरोपों पर डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री को बदनाम करने की साजिश है। उनके बारे में सब जानते हैं, उनकी बात को कोई उनकी पार्टी वाले गंभीरता से नहीं लेते। नहीं, रक्षा मंत्रालय से पेपर गायब होना बड़ी बात है, इस पे वो सारी चीजों को पॉपुलर करेंगे और पॉपुलर करने के बाद वो हर चीज को दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि उनके द्वारा किसी भी बयान को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। उनका काम केवल है कि प्रधानमंत्री को किसी प्रकार बदनाम नहीं कर पाए, तो वो सारा अटैक प्रधानमंत्री पर लाकर किसी प्रकार से वो प्रचारित करना चाहते हैं। सीएजी की रिपोर्ट आ गई, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, अब उसके पास जब मुद्दा नहीं रहा तो फिर मुद्दे को किसी प्रकार से लाने का प्रयत्न, ये उनके पुरानी साजिश रही है। और मैं समझता हूं कि उनकी बात को ना तो जनता गंभीर से सुनती है, ना ही उनकी पार्टी के लोग इनको सुनते हैं। राम मंदिर के सवाल पर राहुल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्हें विश्वास है और मंदिर पर फैसला जल्द ही आएगा। देखिए, उसमें बीजेपी पक्षकार नहीं है और बीजेपी का हमेशा से जो भी मंतव्य है वो हमने संकल्प पत्र में लिखा है और हम उस पर आज भी कायम है। माननीय सुप्रीम कोर्ट पर हमें विश्वास है और अपेक्षा है कि जल्दी से जल्दी उसका निर्णय आएगा। राजधानी में कश्मीरी युवकों पर हुए हमले पर कहा कि किसी के साथ भी दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस घटना के जो भी आरोपी थे वो पकड़े गए। कोई भी कानून को हाथ में लेगा, चाहे जितना बड़ा हो, कठोरतम सजा मिलेगी, चाहे कश्मीरी हो या कोई अन्य भारत का हमारा निवासी हो। किसी के भी साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं होगा। किसी के ऊपर आरोप है तो कोई चीज नहीं, लेकिन बगैर आरोप के किसी जात के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर अगर किसी ने भी कोई अशिष्टता या दुर्व्यवहार किया तो कानून अपना काम करेगा। इसके अलावा दिनेश शर्मा ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी और कानून व्यवस्था को बेहतर बताया। बाराबंकी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।